डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. टुडे माय टॉपिक इज़ मैटर. व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग अराउंड अस, लाइक द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, ऑल थिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर. ओके, सो मैटर के लिए जो है वो दो कंडीशंस हैं. अगर किसी चीज़ में मास हो, यानी वज़न हो उसका, और दूसरी कंडीशन क्या है, वॉल्यूम हो, यानी जगह घेरना. कोई भी चीज़ अगर उसका मास हो या उसका वॉल्यूम हो, यानी उसने जगह घेरी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. ये मार्कर है, इसने, इसका कोई ना कोई वज़न है और इसने जगह घेरी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैटर. ये बोर्ड है, बोर्ड का मास है और इसने जगह घेरी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. ठीक है, इसी तरह ग्लास है, गिलास का अपना मास है और उसने जगह घेरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. बुक है, बुक का मास है अपना, यानी उसका कोई वज़न है और उसने जगह घेरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. इसी तरह हमारी जो होल बॉडी है, इसे भी हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी मैटर की, सिंपल सी डेफिनेशन है, एनी थिंग दैट हैज मास, मास ठीक है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. यानी कोई भी चीज़ जो जिसका मास हो और उसने जगह घेरी हो, यानी उसका कोई वॉल्यूम हो, उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे. ओके, एग्जाम्पल कौन कौन सी हो जाएंगी मैटर की, ऑल थिंग अराउंड अस, यानी जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, मैटर कहेंगे. ऑल थिंग अराउंड अस, ठीक है. अवर होल बॉडी, हमारी जो बॉडी है, ये भी क्या है, मास है. ठीक है, हमारी जो नेल्स हैं, आइज हैं, एयर है, और जो है जितनी भी हमारी बॉडी है, बोन्स हैं, इनसे हम, ये सब क्या है, मैटर से बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, नंबर वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड, नंबर थ्री गैस, नंबर फोर प्लाज्मा, नंबर फाइव बॉस आइंस्टाइन. ठीक है, मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड, सॉरी फाइव स्टेट्स होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन. हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ ये तीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे. सॉलिड की क्या क्या एग्जांपल होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर हो गया, बुक हो गया, सॉरी सॉलिड की एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगी, बुक हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया. लिक्विड की एग्जांपल कौन कौन सी हो जाएंगी, वाटर, ऑयल. ठीक है, गैस की क्या क्या एग्जाम्पल हो गई, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घरों में गैस आती है, उससे हम खाना बनाते हैं, वो हो गई मीथेन गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैसेस हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए. नेक्स्ट थिंग है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर को जो है दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, एक है इम्प्योर फॉर्म और दूसरी क्या है, प्योर फॉर्म. जो प्योर फॉर्म है उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, जबकि जो इम्प्योर फॉर्म है उसे वो क्या कहलाती है, मिक्सचर. ठीक है, मैटर की जो है दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक सब्सटेंस है और एक मिक्सचर है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ पीस ऑफ प्योर फॉर्म. जो मैटर की प्योर फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं. इसी तरह अ पीस ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, अ पीस ऑफ
इम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर की जो है इम्प्योर फॉर्म है उसे हम मिक्सचर कहते हैं, और जो प्योर फॉर्म है यानी खालिस, यानी कोई मिलावट ना हो उसके अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। मिक्सचर जो है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमो मीन्स सेम, अनजीनियस मीन फेस, यानी सेम फेस का जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स वाटर विथ सोडियम क्लोराइड, इफ वी मिक्स वाटर विथ सोडियम क्लोराइड देन इट विल कंप्लीटली डिजॉल्व, सो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड जीनियस मीन फेज, यानी डिफरेंट फेज ऑफ मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मिक्स वाटर एंड सैंड, वाट विल हैपन, इट विल नॉट डिजॉल्व, सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, इसी तरह सब्सटेंस को भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज एलिमेंट एंड नंबर टू इज कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, अगर किसी भी यानी ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो किसी भी चीज़, किसी भी यानी प्योर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के अंदर अगर सिर्फ एक किस्म के जो है वो टाइप हो मैटर की, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर किसी भी जो है किसी भी सब्सटेंस में यानी जो है एक टाइप के ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। यानी गोल्ड के अगर हैं एटम्स तो सारे गोल्ड के एटम होंगे, सिल्वर के हैं तो यानी सिल्वर के सारे एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के हैं तो सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, इसी तरह नाइट्रोजन के हैं तो सारे नाइट्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के हैं तो सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे। और कंपाउंड जो है इसमें क्या होता है, इट हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कंपाउंड में जो है वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, यानी दो तरह के एटम्स हैं, ठीक है, सोडियम भी है क्लोराइड भी है, और ग्लूकोज में कार्बन है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की, आज का टॉपिक। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।